हेलो फ्रीवन, आज के इस वीडियो में आप सबको घनमूल निकालना सिखाएंगे। तो इसमें देखिए आपको तीन तरह के प्रश्न बताएंगे। तो जिसमें आपका देखिए पहला टाइप का प्रश्न है, जैसे है 1728 का आपको क्या करना है, घनमूल निकालना है। ये देखिए बड़ी संख्या है, तो जब बड़ी संख्या होगी तो आप इसका गुणनखंड आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो आप इस तरह से लिखेगा 1700 क्या कर लेंगे, 28 लिखेंगे। अब इसमें हम क्या छोटी संख्या से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 8 कितना होगा, 16 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा। यानी इनको हम क्या काटते हैं, फिर इसको हम 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 2 9 4 हो जाएगा। अब इसको आप फिर 2 से काट सकते हैं, 2 2 9 4 हो जाएगा, फिर 2 कितना हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, फिर आप 2 से काट सकते हैं, 2 कितना हो जाएगा, अब भाग नहीं जा रहा है, यहां पर 0 बढ़ा देंगे, 16 भाग देंगे, 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब फिर भी आप 2 से भाग दे सकते हैं, 2 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 6 8 हो जाएगा। अब यहां पर लिखिए 2 से भाग जाएगा, 2 9 4 हो जाएगा, फिर इसके बाद 2 से कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब ये देखिए आपका 3 से कटेगा, 3 से भाग देंगे, 3 9 कितना होता है, 27 होता है। फिर 3 से काटेंगे, 3 कितना हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे, 3 1 3 हो जाएगा। तो आपको इसमें किसकी जरूरत होती है, जो यहां पर ये चीज आया हुआ है, सिर्फ इसी की जरूरत होती है। अब यहाँ पर भी आप आंसर का पता लगा सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से सीखिए। जैसे देखिए 1728 था, तो इसको हम कुछ अब इस तरह से लिखेंगे, एक बड़ा सा क्या इस तरह से ब्रैकेट बना लेंगे, यानी ये क्या है, घनमूल का चिन्ह है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बारी बारी से सबको लिखेंगे। तो 2 कितनी बार है, देखिए 1 2 3 4 5 6 बार 2 है, तो यहाँ पर मैं 2 लिखता हूँ और बीच में क्या गुणे का चिन्ह रहेगा। तो फिर से 2 लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 6, बीच में आप गुणे का चिन्ह इस तरह से लगा सकते हैं। अब देखिए 3 कितनी बार है, 3 3 बार है, तो यहाँ पर क्या गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 करेंगे। अब घनमूल जब भी आप निकालते हैं तो उसमें 3 संख्याओं का एक जोड़ा बनता है। जैसे देखिए 1 2 3, ये 3 संख्या है, इन पर एक लाइन करेंगे, 1 2 3 सेम संख्या बस होनी चाहिए, उन्हीं पर आप अंडरलाइन कर लेंगे। ये भी देखिए 3 जो है सेम संख्या है, तो जो 3 संख्या है उन पर एक अंडरलाइन है, ये क्या हो जाएगा, कर्ड के बाहर चला जाएगा, यानी जो ये घनमूल का चिन्ह है इससे बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो। ये भी क्या हो जाएगा, इस अंदर से बाहर चला जाएगा तो गुणे 2 लिख देंगे, ये भी बाहर चला जाएगा तो गुणे 3 लिख देंगे। अब आप इनका गुणा कर लीजिएगा, 2 गुणा 2 में करेंगे, 2 2 9 4, 4 गुणा 3 में करेंगे, 4 3 कितना हो जाएगा, 12। तो 12 फाइनली इस प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। आप इन प्रश्नों को देखिए यहां से भी बता सकते थे, जैसे 1 2 3, यहां से इनका एक जोड़ा बन गया 1 2 3, 3 यानी 3 संख्याओं का एक पेयर बनता है, यहां से इनको लिख लेंगे। अब आप आसानी से गुणा कर सकते हैं, यहां से 2 बाहर आएगा, यहां से भी 2 बाहर आएगा, यहां से 3, तो 2 का 2 2 2 ना 4, 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको जो दूसरा टाइप का प्रश्न बताता हूँ वो काफी बेहतरीन प्रश्न है, उसे आप जरूर सीखिएगा। दूसरा प्रश्न है, देखिए काफी बेहतरीन प्रश्न है, इसमें देखिए आपको इस टाइप से भी प्रश्न दे देगा। जैसे देखिए आपका क्यूब रूट के अंदर 27 × 64 लिखा हुआ है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 27 का गुणनखंड निकालेंगे, इसके बाद 64 का आप गुणनखंड निकालेंगे। जिन लोगों को नहीं आता है वो क्या करेंगे, इस तरह से 27 लिखेंगे, इनमें क्या छोटी संख्या से भाग देंगे तो ये 3 से कटेगा, और 64 भी इस तरह से लिख लेंगे, इसमें क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। तो अब देखिए ये छोटी संख्या है तो आपको याद भी होनी चाहिए, इसको आप क्या करेंगे, इस तरह से ब्रैकेट इस तरह से लगा देंगे, यानी ये आपका क्या है, क्यूब रूट है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं, 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 4 × 4 लिख सकते हैं। जब आप देखिए छोटी संख्या है तो हमें मालूम था, तो ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ती है तब। अब देखिए 3 × 3 × 3, 3 × 3 9 9 3 कितना हो जाएगा, 27, 64 को हमने 4 × 4 × 4 लिखा, 4 × 16, 16 × 64 आया। अब यहां से देखिए सेम संख्या है, इनका 3 सेम संख्याओं का एक पेयर बन गया, और 4 देखिए ये भी सेम संख्या है, यहां से यहां तक बन गया। अब 3 जो है वो क्यूब रूट से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो यहां पर हम क्या लिख लेंगे, 3 लिखेंगे, और 4 भी क्यूब रूट से बाहर आ जाएगा तो यहां पर 4 लिखेंगे। 3 का गुणा हम 4 में करेंगे, 3 चौक कितना होता है, 12 होता है, तो यही 12 आपका फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगर इस टाइप के प्रश्न आपको दिखाई दें तो आप इस तरह से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए मैं आपको अगला टाइप का प्रश्न कराता हूं। तीसरा प्रश्न है, देखिए काफी बेहतरीन प्रश्न है। अब यहाँ पर देखिए -64 का आपको क्या घनमूल निकालना है। तो ऐसे प्रश्न जब भी आए तो आप कैसे निकालेंगे, जब भी देखिए आप इसको इस तरह से लिखेंगे 64, और इसमें छोटी संख्या से भाग देंगे तो आपका कितना आएगा, देखिए यहाँ मैं बना लेता हूँ, इस तरह से आप घनमूल का चिन्ह बना लेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो -64 है, इसीलिए हम क्या इसके बाहर यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, आराम से 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यानी 2 को हम 6 बार लिखेंगे तो 64 आ जाएगा। तो कितनी बार हुआ, 1 2 3 4 5, एक और 2 चाहिए। अब फिर देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पेयर बनाते हैं, तो 1 2 3 सेम संख्या है, ये भी देखिए 1 2 3 सेम संख्या है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 हमारा बाहर चला जाएगा।
जब दो बाहर आएगा तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है, यानी ये जो क्यूब रूट है इससे क्या होते हैं, बाहर चले जाते हैं, तो यहां पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस रहेगा। अब यहां पर देखिए दो है तो यहां पर हम दो बाहर आएगा ये वाला, और ये भी दो बाहर आएगा तो यहां पर इंटू क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे। तो माइनस गुड़े प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस टू इंटू कितना है, टू है, तो दो दुना क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। तो माइनस चार क्या होगा, इसका आंसर होगा। अब ऐसे प्रश्नों को कुछ आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे देखिए 64 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 × 4 × 4 लिख सकते हैं, 4 × 16, 16 × 4 कितना होता है, 64 होता है। अब यहाँ पर -64 था तो यहाँ पर आप -×-× - कर सकते हैं, तो चार यहाँ से देखिए इनका सेम संख्याओं का जोड़ा बन जाएगा, तो यहाँ से क्या -4 बाहर आएगा, तो -4 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं। चलिए इस प्रश्न को आपको बताया जाए, जैसे देखिए -64 × 729 है, तो -64 को तो आपको मालूम चल गया क्या होगा, -4 होगा, तो इसको आप आसानी से लिख सकते हो। उसी तरह से 729 को आप क्या लिखेंगे, 3 को आप 6 बार लिखेंगे। जैसे देखिए अगर यहाँ पर 729 को आप निकालेंगे तो सबसे पहले इसमें आपको 3 से भाग देना होगा, क्योंकि ये 3 से ही कटेगा। अब देखिए मैं इसको सॉल्व करके आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पर क्यूब रूट बनाता हूँ, -64 है तो -64 को यहाँ पर क्या, मैं यहाँ पर 4 × 4 × 4 लिख देता हूँ, क्योंकि अगर मैं 2 लिखता तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 729 को क्या लिखेंगे, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, एक बार और लिखेंगे। अब देखिए इसमें देखिए 729 को जब आप इसका गुणनखंड निकालेंगे तो 3 जो है कितना, 6 बार आएगा। अब यहाँ पर देखिए -64 को है तो जो माइनस लगा हुआ था, इसीलिए हम क्या, ये जो क्यूब रूट है इसके बाहर माइनस लगा देंगे। अगर अंदर माइनस कर देंगे थोड़ी आपको दिक्कत होती है, तो यहाँ से 4 का पेयर बन जाएगा, यहाँ से 3 का पेयर बन जाएगा, यहाँ से 1, 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका, बाहर आ जाएगा। तो इसे इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, माइनस का चिन्ह लाकर ब्रैकेट में 4 बाहर आएगा, फिर इसके बाद आपका 3 बाहर आएगा, यहाँ से भी आपका 3 बाहर आएगा। अब आप गुणा कर लीजिए, 4 × 3 = 12, 12 × 3 कितना होता है, 36 होता है। तो -36 इस प्रश्न का क्या होगा, -36 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो ऐसे प्रश्न हो तो आप कुछ इस तरह से सॉल्व करिएगा। चलिए अब मैं आपको एक टाइप और बचा हुआ है उसे भी बता देता हूँ। पांचवा देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। अब यहाँ पर देखिए घनमूल है, क्यूब रूट के अंदर -125/1728 लिखा हुआ है, तो -125 को आप क्या लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर -125 है लेकिन नीचे क्या है, 1728 है, तो आप यहाँ बाहर माइनस के चिन्ह न लगाने से बचिएगा। अब यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए बड़ा सा आप इस तरह से क्यूब रूट बनाइएगा, उसमें क्या लिखेंगे, -125 है तो -5 × -5 × क्या हो जाएगा, -5, इसको आप ब्रैकेट में इस तरह से कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, 1728। तो आपको पहले प्रश्न में याद होगा कि हमने 2 को कितनी बार लिखा था, 6 बार, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 3 को मैंने 3 बार लिखा था, तो 1, 2, 3। अब बीच में आप क्या करेंगे, गुणे का चिन्ह इस तरह से लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, इनमें क्या हो जाएगी, जो सेम संख्याएं हैं उनको पेयर बना लेते हैं, तो 3 तक ये रहेगा, अब यहाँ से 2 का यहाँ तक हो जाएगा और 3 हो जाएगा। यहां से देखिए 5 भी कितनी बार है, 1, 2, 3 बार है, तो यहां से क्या, जो क्यूब रूट के बाहर आएगा तो -5 होगा, और नीचे कितना हो जाएगा, यहां से 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, तो 2 × 2 = 4, 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो -5/12 फाइनली इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो आपको जब भी इस टाइप का प्रश्न दिखाई दे तो आप कुछ इस तरह से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको 4 टाइप के घनमूल के निकालने का प्रश्न बता दिया, आप सीख भी गए होंगे। तो आपसे कभी भी ऐसे टाइप से प्रश्न पूछते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।